मेरे लिए भी ये बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि मैं पाकिस्तान को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि एज अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम T20 में बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। और पास में भी अगर आप देखें तो हमने, अगर बड़े इवेंट से उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी जगहों पे फिनिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिला जो हमें एज अ नेशन मिलना चाहिए। कोशिश करेंगे कि जो छोटी छोटी मिस्टेक मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी मिस्टेक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल ये आसान काम नहीं होता। सो कोशिश करेंगे कि उस जगह को ठीक करें। हमारे पास 17 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले। हम कोशिश करेंगे कि जो गलती हुई उसको ना करें और एज अ टीम इस चीज़ को लेके जाए कि यार हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें हमारी नेशन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि हम उसको पूरा उतरें। हम नई टीम, नए प्लेयर्स भी इस स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, आमिर अब्बास, आजम और बाकी लोग भी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बाबर को ओपनिंग स्लॉट से हटाया जा रहा है, रिजवान और उसकी 700 ओपनिंग पार्टनरशिप जोड़ीज हैं। तो इन फैसलों को कैसे आपने ये मैनेज किया है कि बाबर नीचे गए और रिजवान ऊपर खेलने लगे? पहले आपने यंगस्टर की बात की, बिल्कुल कुछ का कम बैक, कुछ जो खेले हुए हैं उनका कम बैक हुआ है, वापस आए हैं टीम में। आजम हो गया, आमिर जमाल हो गया, साहिबजादा फरहान हो गया, और कुछ नए प्लेयर हैं असीबुल्ला, अब्बास अफरीदी। हम उम्मीद करते हैं कि सारे इंशाल्लाह इस जो 5 T20 इसमें और जो बाकी हमारे T20 सारे उस सब में इनको मिलाया जाए। दूसरे ये बाबर रिजवान दे आर बेस्ट, हम हमेशा ये पाकिस्तान के बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रहेगी और है। आई थिंक देखिए हमारे पास अभी 17 मैच है वर्ल्ड कप से पहले। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉम्बिनेशन देखें कि कौन सी जगह पे कौन सा प्लेयर सूट हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनको खिलाए और हर हर प्लेयर को अपना, फिर जब हम इंग्लैंड के लिए जाएंगे कि हमें पता हो कि यार हमें अभी क्या नंबर खिलाना है। कुछ चेंजिंग होगी शायद नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे जब इंग्लैंड की जो टीम जाएगी कि उसमें सबको अपना रोल पता हो। जो चार उधर T20 है इंग्लैंड के पास साथ, उससे हमें पता हो कि यार ये हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है, ये हमारी बेंच है, उसमें से कौन खेलेगा तो हमें पता होना चाहिए जब हम वर्ल्ड कप जाए, क्योंकि फिर इंजरी ना हो, फिर किसी प्लेयर को परफॉर्मेंस ख़राब ना हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे 17 मैचेस में कौन किस पोजीशन पे है। शाहिन छोटा साहब, आपकी पर्सनल के बारे में फैन जानना चाहते हैं। आपने इनको इंग्लिश में बता दिया, आपने टेस्ट मैच में रेस्ट किया, सो आपका फिट रहना पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, तो अपने बारे में थोड़ी अपडेट दे दीजिए फैन को। मैं बिल्कुल फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। दो मैच में कुछ ज़्यादा बॉलिंग हो गई थी और दूसरा है कि फटीग इतनी ज़्यादा थी कि मैनेजमेंट और मेडिकल पैनल ने ये कहा कि यार कोई इंजरी की चांस फिर से ना हो। आई थिंक अगर सीरीज विनिंग के चांसेस होते तो ऑफ कोर्स 50-50 में, तो फिर ऑलवेज कंट्री फर्स्ट। सो इसमें भी ये था कि यार इंजरी ना हो तो इसलिए वो रेस्ट करवाया गया। बाकी मेरी ऑलवेज प्रायोरिटी फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट है, हमेशा मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं शुरू से, जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि यार टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो फिर आप मेन क्रिकेटर हो। शाहीन, आपने वर्ल्ड कप में 18 विकेट्स लीं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थीं। वर्ल्ड चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ भी आपने फाइफर लिया था। टेस्ट में भी आपकी बॉलिंग अच्छी रही है, मगर शायकीन जिनके आपने पहले बात की उनको आदत पड़ गई आपके पहले ओवर में विकेट लेने की, तो उनको लगता है कि शायद कहीं कमी रह गई है। आपको लगता है कहीं कमी रह गई है, ये थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा? आपको भी फील हुआ इस चीज़ के ऊपर? देखिए मेरे ख्याल से एज अ टीम हम रिजल्ट वो नहीं दे पाए जो हाँ एज अ नेशन एक्सपेक्ट होना चाहिए था। आई थिंक जाहिर सी बात है, अगर मेरे आप पहले ओवर में विकेट देखे, मेरे कोई इतने भी ज़्यादा नहीं है, कोई 15-16 दफ़ा होगा शायद मैं जो PSL है उसमें ज़्यादा आउट किए होंगे। बट ऑफ कोर्स क्योंकि एक्सपेक्ट कर रही है कंट्री आपसे, तो आपको ऑफ कोर्स उस पर उतरना होता है। और एज अ टीम हम अच्छे नहीं खेले, बट मैं ये कह सकता हूँ कि सम टाइम परफॉर्मेंस क्लैप्स हो जाती है, बट ऑलवेज आपको एज अ टीम उस टाइम सपोर्ट चाहिए जब आप हारते हैं। जब आप जीतते हैं तो फिर तो हर कोई ये कहता है, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू नो कि आपको हमेशा प्लेयर्स और अपनी टीम को उस टाइम सपोर्ट करना चाहिए जब वो हारते हैं। जब जीतते हैं तो फिर हर कोई करता है। सो इंशाल्लाह कोशिश है कि जो कमी मुझ में है, जो मेरी नेशन मुझसे एक्सपेक्ट करी, मैं उस पर पूरा उतरूँ। मैं कोशिश करूँ, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट की चीज़ें होती हैं। ग्रेड किसी प्लेयर से भी पूछे वो हमेशा कहेगा कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, तो मैं भी उस अमल में हूँ कि मैं कुछ सीखूँ और अपने मुल्क के लिए जो कर सकता हूँ मैं करूँगा लास्ट तक। आपने बाबर के बारे में वैसे तो बोल दिया, लेकिन थोड़े बैट पैच में चल रहे हैं, बड़े रन नहीं किए टेस्ट के अंदर भी उन्होंने। बतौर कप्तान आप कितना खड़े हैं बाबर आजम के साथ? मैं तो नहीं समझ रहा कि बाबर आजम कोई
ऐसा है कि उसकी फॉर्म खराब है या कुछ है। ही इज़ द बेस्ट और उसने हमेशा पाकिस्तान इतने रन किए, मेरे ख्याल से गिनने में भी शायद मैं गलत हूँ, इतने ज़्यादा रन है, एक दो इनिंग से मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ द ग्रेट प्लेयर और उसने पाकिस्तान के लिए एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर बहुत सी परफॉर्मेंस दी है। बाबर आजम हमेशा हमारा बेस्ट प्लेयर। टेक्निकलिटी का आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फोकस ज़ाहिर है आपकी बेस पे था, T20 वाइड बॉल बॉलिंग शायद थोड़ी फर्क होती है, इसमें आपको लगता है शायद बेस आपकी थोड़ी सी उससे ऊपर हो और आपकी एज आप रिकवरी आपकी प्रोग्रेस कर रही है, इसके बारे में आपको क्या पता? टू बी ऑनेस्ट, पहले तो हम खुद अगर बॉलिंग कर रहे थे ना तो हम खुद बोर्ड को देख रहे थे कि यार ये सच में हम यही हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था जो बॉडी शुरू से बॉलिंग कर रही है और वो इतना ज़ोर लगा के 132-133 पे आती है, तो हम खुद ही हैरान है कि यार क्या उन पहले से कोई डिसाइड हुआ है कि क्या कि इसी पैसे ज़्यादा नहीं होगा। बट नहीं, समटाइम फटीक होते हैं और यू नो हमेशा टेस्ट क्रिकेट में हर आप हर बॉल 140 प्लस नहीं कर सकते और जिसम है कोई मशीन नहीं, कभी कभी टाइम मांगती है, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपने आप को और फिट करूँ। ऑफकोर्स अगर आप लीड कर रहे हैं तो आपको लीड फ्रंट से करना है और मैं कोशिश करूंगा कि जो कमियां हैं जो थोड़ी सी क्लैप्स है उसको बेहतर करूं और टीम के लिए अच्छी चीज़ें। Shane, can I just ask one quick question about the official welcome yesterday up at the Marae? How the team enjoyed that experience being welcomed on?